अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सेल का टाइम सेविंग फार्मूला देखेंगे, जिससे आप अपने डेट और टाइम को ऑटोमेट बना सकते हैं। यानी कि जब भी आप डाटा को एंटर करेंगे, डेट और टाइम आपका ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ मैंने आईडी लिखी, नेम लिखा, और जब मैंने यहाँ पर टैब की प्रेस की तो ये देखें, करंट टाइम और करंट डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो गया और वो ईमेल वाले सेल के ऊपर चला गया। अब जब मैं दोबारा से दूसरी एंट्री करूँगी तो वो उसके हिसाब से डेट और टाइम यहाँ पे मुझे शो कर देगा। तो अब ये मैंने कैसे किया तो देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरी शीट को खोल रही हूँ और दूसरी शीट के ऊपर हम यही टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑटोमेटिकली डेट और टाइम को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पे मैंने वही सेम टू सेम जो है टेबल बनाया है, जिसके अंदर आईडी, नेम, करंट टाइम और करंट डेट और ईमेल है। अब देखें, आप लोगों को पता होगा करंट डेट और टाइम के लिए नाउ का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ये देखें, मैंने लिखा इज़ इक्वल्स टू नाउ, तो उसने और मैंने जो है टैब की प्रेस करी तो उसने मुझे करंट डेट और टाइम यहाँ पर शो कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर सेकेंड्स के फॉर्मेट में जाके टाइम को सेकेंड्स में करूं और जब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूंगी तो क्या होगा, मेरे जो सेकेंड्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि टाइम हमारा जो है बढ़ता जाएगा। जब आप अपनी शीट को बंद करके खोलेंगे तो वही करंट डेट और करंट टाइम शो करेगा जो आपके पीसी में आ रहा होगा। तो अब हमें तो ये नहीं करना है। अब देखें, अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फॉर्मेट पर जाके मैंने टाइम को सेकेंड्स में सिलेक्ट कर लिया है, ये मेरे सेकंड्स भी शो हो जाएं। ताकि उसके बाद अब देखें, मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर रही हूँ, शिफ्ट F9 से रिफ़्रेश कर रही हूँ, तो ये देखें मेरा जो है सेकंड्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। और हमें क्या करना है कि जब जब हम एंट्री करें तो वही डेट और टाइम आए जब एंट्री की गई हो। तो अब ये कैसे करेंगे तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर करंट टाइम के लिए जो है फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज़ इक्वल्स टू इफ़, सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे तो नेम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू अगर आए, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एंट्री आए और वो खाली ना हो तो क्या हो, कॉमा नाउ का फॉर्मूला आ जाए, यानी कि करंट डेट और टाइम आ जाए। अदरवाइज़ क्या हो, ये सेल क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। अगर कोई एंट्री नहीं है उसके अंदर तो ये वाला सेल क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। तो कॉमा डाल के मैंने खाली इन्वर्टेड कॉमास दे दिए और एंटर की प्रेस कर दी। तो देखें, अभी नेम वाला सेल क्या है, खाली है, तो करंट टाइम नहीं आया। अब अगर मैं इसके अंदर एंट्री करूं तो यहाँ पे देखें करंट टाइम आ गया। इसको फॉर्मेट में मैं फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से टाइम का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि जो है टाइम सही से यहाँ पर शो हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया है तो ये देखें करंट टाइम मेरे पास आ गया। अब अगर मैं इसकी एंट्री को डिलीट करूं या देखें मैं यहाँ पे क्या करूं, रिफ़्रेश करूं, तो मेरे पास तो ये टाइम बढ़े जा रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, मोर पे जाने के बाद ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे इनेबल आइट्रेटिव कैलकुलेशन के चेकबॉक्स के ऊपर चेक लगाना है। ये हमने क्यों किया है, ताकि हम जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उस सेल के अंदर उसी सेल का रेफरेंस दे सकें। तो अब फॉर्मूले को एडिट कर लेते हैं, ये मैंने कर दिया यहाँ तक रिमूव। अब हम लगाएंगे दोबारा से दूसरी कंडीशन, इफ़ जिस सेल के अंदर हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं यानी कि D4, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो हमारे पास वही टाइम आ जाए, यानी कि जो भी D4 के अंदर है वही टाइम आ जाए। अदरवाइज़ नाव का फॉर्मूला लग जाए, यानी कि नाव के फॉर्मूले से टाइम आउट किया आ जाए। उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट कर दिया क्लोज। और अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला इफ़ था उसकी भी फॉल्स कंडीशन होगी तो कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमास ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास दे दिए और अब कर दिया एंटर की प्रेस। यहाँ मेरे पास टाइम आ गया है। अब देखें इसको डिलीट करके, यानी कि नेम को डिलीट करके दोबारा से आप नेम लिखेंगे तो टाइम जो है सही शो करेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम अली और ये देखें अब उसने मुझे टाइम यहाँ पे शो कर दिया। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास ये चेंज नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को कॉपी किया और डेट वाले सेल के अंदर इसको कर दिया पेस्ट।
अब मैं सिंपल यहाँ से अपना जो यहाँ पे नेम का सेल रेफरेंस है बस उसको वापसी चेंज कर देना है। जो देखें यहाँ पे D4 है, इसको वापस चेंज करके मैं यहाँ पे C4 कर रही हूँ और सिंपल एंटर। अब फॉर्मेट पे जाके हम जो है डेट इसका जो है फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे, डेट का फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे। इसे मैंने यहाँ पे ले लिया है ये वाला और इसको मैंने कर दिया ओके। अब जब देखिए मैं नाम लिखूँगी, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, डिलीट करने के बाद लिखते हैं। तो भैया देखें यहाँ पे ब्लैंक हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँगी तो ये देखें करंट डेट एंड टाइम मेरे पास यहाँ पे शो हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, पूरे यहाँ पे सेल्स में चाहिए मुझे, तो यहाँ मेरे पास जितना टेबल बना है इस पूरे को सिलेक्ट करूँगी, यानी कि इसको ड्रैग कर लेंगे हम सिंपल, ताकि फार्मूला सब में लग जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, पूरे इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि मैंने कर लिया सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे डी और ई को कंट्रोल के साथ इसको अनसेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट सेल पे जाना है और यहाँ पे लॉक सेल से चेक हटा देना है। सिंपल आपको एक काम ये करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से फॉर्मेट सेल के ऊपर जाना है और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड असाइन करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, यानी कि री एंटर पासवर्ड करना है यहाँ पे और उसको ओके कर देना है। अब आपकी जो है ये शीट तैयार हो गई है। अब आप इसको डिलीट करें, दोबारा से एंटर करें। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, दोबारा से नेम एंटर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने टैब प्रेस करा है, तो देखें करंट टाइम और डेट को उसने छोड़ के डायरेक्ट मुझे ईमेल वाले सेल के ऊपर वो ले गया। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी एंट्री करूँ तो ये, अब दोबारा से मैंने टैब प्रेस किया तो देखें वो मुझे डायरेक्ट ईमेल वाले सेल के ऊपर ले गया। तो इस तरीके से हम जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।